हेलो गाइस, वेलकम टू बैक विद न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है अपने अकाउंट में कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल 0% पे आप जो है इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 10,000 ट्रांसफर करने हैं, 20 करने हैं, 25 करने हैं, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितना जितना भी बैलेंस आपको लगता है कि आपको जितने की जरूरत है इमरजेंसी, वो आप बैलेंस जो है बिना किसी इंटरेस्ट के आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, एक ऐप आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। उस ऐप को फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से करोगे तो आपको वो वाला बेनिफिट शायद ना मिल पाए, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं ऐप आपको दिखा देता हूँ कौन सी ऐप है, ठीक है। तो ऐप का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत NXT, ठीक है। तो इस ऐप के अंदर आपको लॉगिन कर लेना है, साइनअप कर लेना है, ठीक है। मेरे लिंक से आपको डाउनलोड कर लेना, आपको एक कोड मिल जाएगा, वो जो आपको इनवाइट कोड जो इसके अंदर डाल देना है, आपको उसमें बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कार्ड वगैरह ऐड यहाँ पे कर लेना, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड कार्ड का, तो आप ऐड कार्ड करेंगे, डिटेल डालेंगे तो ऐड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। आपको उसके बाद बैंक ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड कर लेना, मैंने पहले से किया हुआ है ऑलरेडी। तो आपको यहाँ पे खुद का नहीं करना, ये ध्यान रखना, आपको किसी फैमिली मेंबर का कर देना, किसी फ्रेंड से अगर मैं कर देना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। खुद का अकाउंट मत ऐड करना, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आपको करना क्या होगा, नॉर्मल सा प्रोसीजर है। जैसे ही मैं अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ पेमेंट करने के लिए, तो मैंने ये अकाउंट सिलेक्ट कर लिया मनीषा के नाम से। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही आपको जितना भी अमाउंट आपको जरूरत है उतना अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे पहले मैं आपको इसी चेक करा देता हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 105 रुपये मेरे पास कैश भी है। तो ये बेसिकली है क्या, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉइन्स होते हैं, बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में कॉइन्स बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये कॉइन्स कैसे मिलते हैं, अगर आप मेरे रेफरल से करोगे तो आपको ये कॉइन्स मिल जाएंगे 150, और जैसे ही आप फर्स्ट पेमेंट करोगे तो 100 आपको तब मिल जाएंगे। तो टोटल आपके पास 250 कॉइन्स हो जाएंगे, यानी कि 250 रुपया हो जाएगा आपके पास एक तरह से आपके वॉलेट के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब मैं जो है यहाँ से पेमेंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे ही मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, अमाउंट यहाँ पर डालता हूँ 10,000। मैं 10,000 करने वाला हूँ, आपको करके भी दिखाऊंगा, ये नहीं है कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा, ठीक है। मुझे ज़रूरत है, मैं कर रहा हूँ, और आपको भी पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने जैसे ही नेक्स्ट क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ गया कि मैं इस अकाउंट से बैंक अकाउंट इस क्रेडिट कार्ड से इस अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूँ, और मैं चूज सर्विस ऑप्शन पे जाऊँगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लासिक पे 1.10%, यानी कि 1.10% का जो है मेरे को टैक्स लग रहा है भाई, ठीक है ना। और ये बैलेंस जो है 26 तारीख को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होएगा, ठीक है। वर्किंग डेज सैटरडे वर्किंग डेज काउंट नहीं होता, संडे वर्किंग डेज काउंट नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पे 105 रुपये यूजिंग भारत NXT कैश। तो मैं अगर इसके ऊपर टिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, नीचे पहले मैं अनटिक करता हूँ, नीचे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट कितना है, 10,000 रुपये। जो इनकी फीस लग रही है वो 110 रुपये है, जैसे आपको देखा नहीं 1.10% है, तो 110 रुपये लग गया 10,000 का, ठीक है। उसके बाद तो GST भी लग रही है 19 रुपये, तो कुल मिला के 129 रुपये टैक्स पड़ रहा है, बेसिकली आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है जो आपको पे करना पड़ रहा है। अगर आपके पास ये NXT पॉइंट होंगे भाई, ठीक है, तो आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको जस्ट 24 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर आपको अमाउंट पे करना पड़ रहा है। अगर आपके पास ये NXT पॉइंट गाइस ज़्यादा होंगे ना, तो आपको बिल्कुल जीरो बैलेंस पे आप जो है अपना बैलेंस ट्रांसफर कर पाएंगे। 10,000 रुपये के लिए आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। बट मेरे पास अभी 105 ही जो है इसमें कैशबैक बचा हुआ था, तो अगर आप किसी मेरे रेफरल से करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, कार्ड सेलेक्ट किया ऑलरेडी, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डिटेल आ गई है पूरी, कैसे कितना बैलेंस आपका ट्रांसफर हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे आ गया। मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, 26 तारीख को आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा, अगर आज आप 23 तारीख को ट्रांसफर करें। वर्किंग डेज काउंट होते हैं बेसिकली, क्योंकि बीच में संडे और सैटरडे आ गया, ठीक है। अगर मैं वर्किंग में करता तो होता ही नेक्स्ट डे कल मेरे को मिल जाता, ओके। तो इसके बाद जो है ये CVV पूछ रहा है कि इस कार्ड का जो CVV है वो आप डाल दीजिए इसके अंदर, जल्दी इसमें CVV डाल लेता हूँ। तो गाइस मैंने जो है CVV इसमें डाल दिया, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा अकाउंट का बैलेंस है मेरे उससे कट जाएगा, ठीक है, मेरे क्रेडिट कार्ड से कट जाएगा, ठीक है। मेरे पास शायद OTP जाएगा पहले, तो आप देख सकते हैं OTP जा चुका है, ठीक है। और अभी OTP ऊपर स्क्रीन पर आया नहीं है, तो जैसे ही OTP आता मेरे को OTP यहाँ पर डालना होगा, तो OTP आ गया, ओके। OTP आ चुका है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,024 रुपये का OTP आ चुका है। तो जल्दी से मैं ये इसमें ऐड कर लेता हूँ, मैंने OTP यहाँ पे डाल दिया है, मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ ही टाइम लगेगा, कुछ ही सेकंड के अंदर जो है मेरे पास मैसेज आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डियर मतलब कि जो भारत NXT की तरफ से मैसेज आ चुका है, और क्रेडिट कार्ड की तरफ से भी मैसेज आ चुका है कि मेरा बैलेंस कट चुका है, यहाँ पे मुझसे
अभी मैं इसको अभी लेटर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं मेरे 105 में से जो कैश शो हो रहा था ना वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, अभी मेरे पास कोई भी बैलेंस नहीं है। और प्रोसेसिंग में यहाँ पे दिखा रहा है कि इस अकाउंट के अंदर जो है ये जो अमाउंट है 10,024 रुपये अभी प्रोसेसिंग में है, ठीक है। नीचे वाला पहले मैंने बैलेंस ट्रांसफर किया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं 5,000 मैंने ट्रांसफर किया था, इसमें 64 रुपीज़ लगे थे, ठीक है। पहले मेरे पास जो है कैश पॉइंट बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है, और उसमें भी मुझे जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो गया था भाई, ठीक है ना। तो अब जो है मुझे सिर्फ 24 रुपये पे करने पड़े। अगर मेरे पास कैश पॉइंट अच्छे होते तो मेरे को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो आपको जो है सबसे ज़्यादा इसमें अर्न क्या करना है, ये आपको रिवर्स अर्न करने हैं। जैसे ही आप इसे पेमेंट करते रहेंगे तो आपको कैशबैक के बदले जो है पॉइंट्स मिलते रहेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं ना जो मैंने 10,000 रुपये ट्रांसफर किया, गाइस सबसे मेन चीज़ है जब मैंने 10,000 रुपये ट्रांसफर किया तो मुझे यहाँ पे आराम से 100 से 200 जो मतलब कि इसके NXT कैश पॉइंट्स है वो मुझे अकाउंट में यहाँ पे वॉलेट में ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट वर्किंग डेज में, ठीक है ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दिखाऊंगा तो उसमें आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है अपना जो क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, आप वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बट फेक वीडियो प्लीज़ मत बोलना वीडियो कमेंट के अंदर, और वीडियो को डिसलाइक भी मत करना भाई, क्योंकि मैंने कोई इसमें गलत आप लोगों को बिल्कुल भी गाइड नहीं किया, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़।